Good morning, student. Today we will read English. In English, we will start today first chapter. In first chapter, we will read today alphabet. Alphabet A. A, okay? आज हम A सीखेंगे, small letter. तो A means क्या होता है बच्चों? A for A means A for alligator. A for angel, A for auntie, A for arms, okay? A for क्या क्या होता है? Alligator, angel, auntie and arms, ठीक है? तो A for हम समझ गए, okay? अब हम A write करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों? और बच्चों A for abroad भी होता है। अब हम A write करना सीखेंगे बच्चों हमारे English में English alphabet में small letter में write करने का और reading करने का alphabet अलग अलग होता है ठीक है write हम इस तरह से करते हैं small A और read करने के लिए book में ऐसा होता है okay मेरे स्टूडेंट हम राइट करना सीखते हैं राइट करने के लिए बच्चों हमें 4 लाइन की कॉपी में 4 लाइन की कॉपी लेने होते हैं इंग्लिश की उसमें 4 लाइन बने होते हैं जिसमें ए राइट करने के लिए हमें सिर्फ बीच के 2 लाइंस लेने होते हैं 1 एंड 2 ओके फिर उसके बाद हमें एक कर्व कर्व राइट कर्व आप बनाना सीखे है ना मैंने बताया आपको ये राइट कर्व ऐसे खींचना है फिर उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन बस ये मेरा बनके तैयार हो गया ये कर्व फिर उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन ओके चलिए मैं आपको बना के बताती हूँ ए राइट करने के लिए स्टूडेंट हमें बीच के 2 लाइन ये 4 लाइन की है कॉपी इसमें से हमें 2 लाइन ले लेना है ठीक है ये ऐसे ये हाफ कर्व हो गया स्टूडेंट फिर इसके बाद ये एक स्टैंडिंग लाइन इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ये कर्व बना है फिर इसके बाद स्टैंडिंग लाइन फिर ऐसे वन मोर कर्व स्टैंडिंग लाइन स्टेप ओके वन मोर ये कर्व ये स्टैंडिंग लाइन ये ऐसे थोड़ा सा ये कर्व बनाएंगे हम यहां से एक स्टैंडिंग लाइन एक ऐसे कर्व स्टैंडिंग लाइन ऐसे ओके स्टूडेंट तो हम ए बनाना सीख लिए ए रीड करना और ए राइट करना स्टूडेंट आप इसे अपनी कॉपी में और अपने बुक में दोनों पे इसको आप प्रैक्टिस करिएगा ओके और बनाइएगा फिर उसे फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करिएगा ओके थैंक यू